धन्यवाद मैडम, आपने शून्यकाल के बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फूलपुर लोकसभा में ही गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, जिनको पूरे विश्व में संगम के नाम से जाना जाता है, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज भी कहा जाता है। मैडम, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित जनेश्वर मिश्रा और राम पूजन पटेल की भी कर्म भूमि रही है महोदया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ गंगा यमुना की गोद में गरीब जनता को रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कुंभ मेला और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर झुग्गी झोपड़ी वाले छोटे दुकानदारों व्यापारियों को जो पचासों साल से रह रहे थे, लोगों को जो बिजली का बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देने का भी अधिकार था, आज उनके मकानों एवं दुकानों को तोड़कर बेरोजगार कर दिया गया है, जो आज खुले आसमान के नीचे सोने और खाने के लिए मजबूर हैं। महोदया, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेघर और बेरोजगार हुए लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था किया जाए। महोदया, बस 10-20 सेकंड का एक और मैटर है महोदया, वो कुंभ मेले से संबंधित है। महोदया, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 11 का कार्य, सर्कुलेटिंग एरिया और फाफामऊ इलाहाबाद दोहरीकरण का कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रेलवे द्वारा टेंडर कर दिया जाता है, लेकिन कार्य को शुरू नहीं करवाया जाता। क्या कुंभ मेला से संबंधित है? हाँ, तो कुंभ मेले के पहले काम हो जाए, बोल दिया ना मैंने। कम मैडम स्पीकर, इंडिया डाइवर्स लैंग्वेजेस आर। यस, एक मिनट मैडम, कंप्लीट करो। कुंभ मेला है 2019 में, बहुत बड़ा कुंभ है। ओके, वर्ष 2019 में कुंभ के पहले पूर्ण हो जाएगा। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं, जितने भी कार्य कुंभ मेला के नाम पर आवंटित किए गए हैं,